वेलकम एवरीवन। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बाइक रेस को देखते हैं, जिसमें ली नाम का बाइकर जीत जाता है। वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम सू होता है और ली उसे पसंद करता है, पर वो लड़की उसे भाव भी नहीं देती है। ली अपने दोस्त कासा के साथ घर लौट रहा था, तभी मास्क पहने एक आदमी आता है, उसे उसके जैसे ही बाइक बनाने को बोलता है, पर ली उसका नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब ली के शहर को देखते हैं, जहाँ वो डिलीवरी बॉय का भी काम करता है। ली का बॉस उसे एक पार्सल देकर डिलीवर करने को बोलता है, जिसे दूसरे शहर में डिलीवर करना था। ली के शहर में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी। जब वो दूसरे शहर में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ सब कितने खुश हैं, सिर्फ उसी के सर पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। जब वो लौटता है तो देखता है कि छोटी सी बच्ची को पानी देने से इनकार कर दिया गया है। तब वो वाटर सप्लाई के मेन लॉक को ही तोड़ देता है, जिससे पूरे शहर पानी पानी हो जाता है। नेक्स्ट ली को एक पार्सल डिलीवर करना था, उसमें बेबी कैट थी। अब ली उस एड्रेस पे जाता है तो देखता है कि वो अवेलेबल ही नहीं है। वो उस कैट को कासा को गिफ्ट कर देता है। कासा भी बहुत खुश हो जाती है। अब हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि विलियन का बेटा है, जो अपने असिस्टेंट से बातें कर रहा था। तभी उसे ली और उसकी बाइक नजर आती है। जेम्स पास जाकर उसके बाइक का प्राइस पूछता है। ली बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, पर जेम्स को उसकी बाइक पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसे खरीदना चाहता था। ली अपने फैमिली के साथ होता है, उसके फादर हमेशा की तरह उस पे गुस्सा करते हैं। ली भी गुस्से में कासा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों ऑन द वे थे, तब नोटिस करते हैं कि जेम्स के लोग उसके पीछे हैं और उस पर वो हमला कर देते हैं। जेम्स अपने सीक्रेट पावर को यूज कर ली को घायल कर देता है। कासा बाइक के नीचे दब जाती है और आज ली को भी अपने यूनिक पावर का एहसास होता है, जो कि फायर पावर थी, और वो जेम्स को मारता है। जेम्स घायल हो जाता है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। जेम्स के फादर का असिस्टेंट बताता है कि ली ही नेशा है जो लौट आया है, जिसे जेम्स की जान को खतरा है। वहीं ली को होश आता है तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जब वो डॉक्टर को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सू थी। अब वो कासा के पास जाता है, जिसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी एक पैर पूरा खत्म हो चुका था। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है। तभी जेम्स के फादर वहाँ कर ली जिनसे माफी मांगते अपने बेटे की करतूतों की, उसके बाइक को भी अपने साथ में ले आए थे। वो उसे पैसे की भी ऑफर करते हैं, पर ली अपने बाइक को लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब जेम्स के फादर अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि वो अपने पावर को और भी ज्यादा हासिल करे, इससे पहले उसे खत्म कर दो। इधर ली के भाई उसके पीछे पीछे जाता है और उसे समझाने लगता है, लेकिन तभी जेम्स के आदमी वहाँ कर उस पर अटैक कर देते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। खुद को कमजोर होते देख करके अपने पावर को जगाने लगता है, लेकिन इसी बीच ली का भाई बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ली फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहीं जेम्स अपने फादर से ली को मारने को बोलता है, तो उसके फादर बोलते हैं कि वो भी एक सी किंग है, वो 3000 साल पुराने जख्म अभी तक नहीं भरे हैं और ली को हराना इम्पॉसिबल है। वहीं ली मास्क मैन के पास पहुँच करके निजा के बारे में पूछता है। तब ली को पता चलता है कि जेम्स ड्रैगन है, जिसे उसी ने मारा था। वही जेम्स को भी पता चल जाता है कि नेजा ने उसे किस तरह से मारा था। उसके फादर ने स्किल ड्रैगन स्पेन देकर के उसे जिंदा किया, लेकिन उसकी मेमोरी जा चुकी थी। 3000 साल पहले हम चार ड्रैगन मिलकर के नेजा को फोर्स किया खुद की जान लेने के लिए, लेकिन पता नहीं उसके सोल का एक पार्ट हमसे बच निकला, जिससे वो हर बार एक नई शक्ति में जन्म लेता है और तभी से इस सिटी में नजर जमाए है, और हमें जिस पे भी जरा भी शक होता है उसे खत्म कर देते हैं। अब जेम्स भी उसे बदला लेने को डिसाइड करता है। उसके फादर बोलते हैं कि उसके पास अभी ड्रैगन पल नहीं है, तो तब तक तुम अपनी जगह किसी और से ये काम करा सकते हो। अब उसी मास्क मैन के पास पहुंचते हैं। ली अपने बाइक की रिपेयर करता है, तभी उसे कुछ याद आता है तो उसे गुस्सा आता है, जिससे उसके बाइक में आग लग जाती है। अब वो वापिस उसी मास्क मैन के पास जाता है और वो उसे खुद को ट्रेन करने को बोलता है, इसके बदले वो अपने बाइक का भी ऑफर करता है। मास्क मैन उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। अब ली भी जल्दी ट्रेन हो जाता है और अब वो अपने पावर को भी अच्छे से कंट्रोल करने लगा था, जिसके डेमो देने के लिए आपस में ही फाइट करते हैं। फाइट के दौरान मास्क मैन का मास्क हट जाता है, जो कि एक मंकी था। मंकी ली को गुस्सा दिलाता है, जिससे कि ली अपने पावर को जगाता है, लेकिन अभी भी वो इनकम्प्लीट था, क्योंकि नेसा को पूरे पावर के लिए एक्स्ट्रा चाहिए था, जो कि उसके मैजिकल रिबन से उसी का वेपन था, जो कि जेम्स के फादर के पास था। नेक्स्ट जेम्स अपने असिस्टेंट के साथ उसे मारने के लिए पहुंचता है। इसी दौरान उसका असिस्टेंट भी मॉन्स्टर बनकर फाइट करता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोनों ही अपने अपने पावर को यूज करते हैं, लेकिन ली मॉन्स्टर पे भारी पड़ता है। मॉन्स्टर पूरी तरह से घायल हो जाता है। ये सब ली का एक दोस्त देख रहा था, उससे जेलस हो जाता है और जेम्स से जाकर मिल जाता है। ली को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। वहीं ली कासा के पास जाता है तो बहुत दुखी था। तब सू उसे कहती है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते,
उसी दौरान काजा अकेली बैठी रो रही थी। तभी वो एक लड़के को देखती है कि वो ली के सूट को बिगाड़ रहा था। वहाँ घायल पड़ा ली का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़का उसे तकिए से दबाकर उसे मार देता है। ये सब काजा देख लेती है और वो इंसान भी काजा को देख लेता है और वो उसे भी मारने जाता है। काजा भी वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका एक पैर आर्टिफिशियल था इसलिए ठीक से चल नहीं पा रही थी। लेकिन तभी जेम्स के लोग हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं। ली उन लोगों से फाइट करता है और अपनी पावर को भी यूज करता है, लेकिन तभी उसके सूट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानता और सबको मार गिराता है। लेकिन उस फाइट में उसके फादर डेथ हो जाते हैं। वहीं मास्क मैन जेम्स के फादर के पास आता है तो वो देखता है कि उसने पूरे सिटी के पानी अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे सिटी को पानी की प्रॉब्लम को झेलनी पड़ रही है। तभी जेम्स और उसके फादर वहाँ आ जाते हैं। तब जेम्स के फादर बोलते हैं कि बंद करो ली को ट्रेंड करना, अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो बाकी के पानी भी खींच लूंगा और अपनी नई दुनिया बसा लूंगा, क्योंकि वो वाटर ड्रैगन किंग है। वो पानी के टच में आते ही उसकी पावर दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगती है, लेकिन मास्क मैन मना कर देता है तो उसे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी ली भी वहाँ आ जाता है। ये देखो पानी के साथ में खुद भी छुप जाता है। अब ली और जेम्स के बीच में फाइट होती है। जेम्स इस समय वाइट ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। तब जेम्स मारा जाता है। उसी दौरान एक लड़की उस पर हमला करती है, लेकिन मास्क मैन रोक लेता है। अब वो लड़की बताती है कि पास्ट में उसने कितने बेगुनाह लोगों को मार डाला। उस लड़की की बात सुनने के बाद में ली बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। वो उसे कुछ करे इससे पहले उसे वहाँ से जाने को बोलता है। अब मास्क मैन बताता है कि वो भी एक मंकी है। वो आज खुद फेस दिखाते हुए बोलता है कि वो ड्रैगन एज को यूज कर रहे हैं। पानी के अंदर खुद का एक सिटी है। ली को समझ आ गया था कि आखिर सिटी में पानी की इतनी कमी क्यों है। अब ली काजा से मिलने जाता है तो वही आदमी चाकू से पॉइंट किया होता है, लेकिन काजा पैर से मारते है उसे, नीचे गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। ली अपने फादर के कब्र में प्रॉमिस लेता है कि वो सिटी को हर हाल में बचा कर रहेगा, लेकिन ली कहीं न कहीं बहुत दुखी था। वो वहाँ से अकेला ही चला जाता है। तभी ड्रैगन के आदमी सू को उठा कर ले जाते हैं। ली भी ड्रैगन पैलेस पहुँच चुका था। वो अपने मैजिकल रिबन लेने की कोशिश करता है तो ड्रैगन बोलता है कि अगर वो ऐसा करता है तो सू मारी जाएगी, और वो अब असली रूप में आ जाता है और ली पर हमला करता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वो तो ड्रैगन किंग था इसलिए ली पर भारी पड़ रहा था। खुद को कमजोर होता देख ली अपने नेसा पावर को जगाने लगता है। वहीं ड्रैगन किंग उस ड्रैगन पल को भी खा गया था और अब उसके सारे ड्रैगन जो पानी में कैद थे वो बाहर निकलने लगते हैं और पूरी दुनिया में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। किंग ली से फाइट कर रहा था। ली अपने नेजा पावर को यूज करके उसे मार देता है और साथ में वो खुद भी मारा जाता है। ये सब सू देखकर बहुत दुखी होती है। अब हमें नेजा को वापस से दिखाया जाता है जो कि उसकी सोल थी। नेजा वापस से ली को ही अपना पावर ट्रांसफर कर देता है क्योंकि उसके लिए उसे ही सिलेक्ट किया था, और ली वापस से जिंदा हो जाता है जिसे देखकर सू खुश हो जाती है। अब ली के पास में पावर के साथ उसे एक्स्ट्रा भी मिल चुके थे और अब ली वापस से जिंदा हो चुका था। अब वो नेजा पावर और मैजिकल रिबन को यूज कर उस ड्रैगन को मार करके सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है और जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब पूरी सिटी भी खुशहाल सिटी बन चुकी थी। पानी की प्रॉब्लम भी अब खत्म हो जाती है। इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।